वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, तो हम आए हैं ब्लूवर्ड यानी कानपुर सिटी। तो काफ़ी दिनों से विचार बन रहा था कि यहाँ घूमने जाएं, और हालांकि ये बहुत नज़दीक है हम लोगों के, तो ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि जाएं कब जाएं। तो वही आना भी घूमने के पर्पस में तो फिर नहीं जाता कोई, तो हम लोग का ऐसे ही पेपर था, तो पेपर के देने के बाद टाइम बचा था, तो हम लोग सोचे चलो आज चलते हैं, इतने दिनों से प्लानिंग बनी थी तो आज घूम लेते हैं। तो वहाँ हम पहुँच चुके थे, 1 बजे लगभग पहुँच चुके थे यहाँ। और जब यहाँ गए तो देखिए बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, क्योंकि शायद किसी स्कूल के बच्चे हैं जो आए थे अपना यहाँ घूमने के लिए। और यहाँ हम लोग चल रहे हैं टिकट लेने के लिए, तो टिकट लेने के लिए देखिए ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, कैसे क्या होना है, कैसे क्या करना है। ओनली कैश पेमेंट एक्सेप्टेड है, और ये इसमें टाइम टेबल के हिसाब से किस दिन कितना पैसा लगता है, मतलब हर दिन का पैसा अलग अलग लगता है। तो ये देखिए अब बच्चे अंदर जा रहे हैं, सही है यार, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जगह है जो यहाँ पर बढ़िया आराम से आप घूम सकते हो। और ये देखिए टाइमिंग है यहाँ की 10 बजे से लेकर 7:30 PM तक है, तो टाइमिंग तो ठीक है भाई, इतनी देर से सुबह से आप शाम तक अच्छे से। तो बस हम लोग यहाँ टिकट लेने आए थे, तो टिकट लेते हुए भाई हमने भैया से वो सब बातें पूछ ली कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। तो उन्होंने बताया कि सब टिकट में होता है, आप इस टिकट में दिखा दीजिएगा और अंदर जो भी फैसिलिटी आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो हाँ भाई, पूछना ज़रूरी था कि खाना नाश्ता मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि आप 3-4 घंटे घूमेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो खाने पीने के लिए मिलना चाहिए ना। उन्होंने बताया हाँ सब कुछ मिलता है अंदर। तो बस हम लोग टिकट ले चुके, और ये टिकट है देखिए, ऐसे ही होता है यहाँ का टिकट, ये टिकट है। तो बस अंदर की तरफ हम लोग चल दिए, और ये बाहर का नज़ारा है। तो यहाँ पर आप चेकिंग करवाएंगे अपने बैग और टिकट का, तो टिकट ये लोग क्या करते हैं अपने हाथ में ही पहना देते हैं हम लोगों के। तो और ये देखिए यहाँ पर 4-5 लेडीज़ हैं सिक्योरिटी गार्ड की तरफ, तो ये लोग अच्छे से चेकिंग करती हैं। उधर से जाने का रास्ता इधर से भी लेडीज़ का, उधर से जेंट्स का, वैसे हम लोग इधर से निकल गए थे। यहाँ पर बैग चेकिंग होती है, तो हमको भी भाई बैग चेक कराना था, तो हमारे बैग में कुछ ना कुछ तो निकलना ही था, क्योंकि आप जब सुबह से बाहर निकल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो ले ही जाओगे खाने पीने की चीज़ें। तो इसमें पीनट बटर का एक डिब्बा था जो कि ज़्यादा था भी नहीं, लेकिन ये था कि 2-3 चम्मच तो उसमें पड़े ही होंगे, तो इन्होंने उसको रख दिया बाहर निकाल कर। तो उसके बाद फिर इन्होंने, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने दे दिया था वापस मुझे, और उसके साथ उन्होंने एक मुझे फ्रूटी का दिया, फ्रूटी दिया था पीने के लिए। तो बस अंदर चलिए, और देखिए ये बच्चों का भीड़, जो कि ये बढ़िया इनकी स्कूल टीचर हैं ये सब, और ये बच्चे हैं। अच्छा लग रहा था यार इनको देख कर, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। तो देखिए फ्रूटी ले लेके सब लोग अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है यार बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी जगह है जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और अच्छी जगह फैमिली पार्क है, फैमिली ट्रिप आप कर सकते हो सारा दिन के लिए। और ये देखिए वाटरफॉल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है इसका, आई थिंक दिन में ऐसे लग रहा, रात में और ही ज़्यादा अच्छा लगता रहा होगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो बस हम लोग, बस अभी यार प्यास तो लगी थी भाई, फ्रूटी पीना था। और ये देखिए ये जो सामने दिख रहा है ये वाटर पार्क है अंदर। तो हम लोग अक्टूबर में गए थे तो नहाने का भाई ज़रूरत ही नहीं थी, खाना भी है ना, तो नहाए नहीं, वहाँ नहीं गए हम लोग अंदर। ऐसा डस्टबिन ये देखिए, अच्छा खासा डस्टबिन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा। तो बस आगे की तरफ हम लोग बढ़ लिए, और आगे जैसे ही बढ़ते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने तो भाई इतना अच्छा नहीं देखा अभी तक यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में।
देखिए एक एक चीज़ यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई है, बहुत अच्छी नक्काशी की गई है यहाँ पर देखिए। और ये जो अंदर देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बनी हुई हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत लाजवाब तरीके से इसको बनाया गया है। देखिए ये चित्रकारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है, ये जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर और प्रकृति की तरह लग रही, बहुत सुंदर लग रहा था भाई यहाँ का नज़ारा। और यही नहीं, आप रुकिए नहीं, आप जाते रहिए और देखते रहिए कितना अच्छा नज़ारा है। अब इतना मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर कोई भी गया होगा तो बोर तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप जाए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बड़े अच्छे तरीके से यहाँ आप घूम सकते हो, क्योंकि उतना टाइम आपको लगेगा ही, इतना बड़ा पार्क है, बहुत ही अच्छा यहाँ है। ये देखिए देखिए, मतलब लगता है ना कि यार किसी विदेश से कम नहीं, आई थिंक मुझे तो यही फील हो रहा था कि कहीं शायद हम बहुत दूर चले आए हैं। और सब देखिए, ये जो पीछे मेरे जा रहे हैं कपल हैं दो, आई थिंक ये लोग हनीमून पे आए थे दोनों लोग, आना चाहिए यार, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप बाहर जाओ घूमने के लिए, आप सारा दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हो। और ये देखिए मोटू पतलू गोलू मोलू हरे कैसे बने हुए हैं। और इधर ये देखिए झूला है, जो कि ये सब झूल रहे हैं लोग। हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, फिर भी हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि पूरा कवर कर सकें। और ये देखिए गोलू मोलू मटोलू हरे, इतने सुंदर तरीके से इन लोग को बनाया गया है यार, सच में यार यहाँ पर ना बच्चों को लेके ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ यहाँ पर और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बनी हुई है मूर्तियाँ ये। तो बस हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए इतनी अच्छे तरीके से, मतलब यहाँ पर इसका देख के लगता है कि हमने कहीं इसको टीवी में या कहीं मतलब नक्शे में देखा ही होगा इस तरह की दीवार, तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब कहीं हम लोग विदेश में आ गए हैं। हालांकि ये विदेश नहीं है भाई, कानपुर है, तो कानपुर तो वैसे लोग कहते हैं बहुत गंदा है, लेकिन हमें तो भाई यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए बच्चे मतलब बच्चों का भीड़ जिधर से भी जा रहा था ना, पूरा का पूरा एकदम बस जा रहा, ऐसा लग रहा था कि बस यही है। देखिए ये देखिए, और यहाँ का जो नज़ारा था यार, सच में इस जगह का नज़ारा ऐसा लग रहा था बस किसी विदेश वाली जगह पे हम आ चुके हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो बस मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटो शोटो हुआ हमारा, क्योंकि यार इतना अच्छा लग रहा था, अब इसको छोड़ तो सकते नहीं थे हम ऐसे। तो बस देखते ही जाओ आगे आगे, इतना मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखिए ये इधर का देखिए आप, देखिए इतनी अच्छे तरीके से ये, कहाँ मैंने तो भाई नहीं देखा, मैंने चार्ज नहीं किया था। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हम शायद पहली बार यहाँ वाटर पार्क या आए हुए हैं, क्योंकि हमने इससे पहले किसी भी वाटर पार्क में नहीं गई। ये देखिए इतने अच्छे तरीके से बने हुए हैं, देखिए एक एक चीज़ अगर यहाँ पर देखी जाए तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जो मुझे लगे कि हाँ यार ये ख़राब चीज़ थी, ये ऐसे नीचे होने से, मुझे सब चीज़ परफेक्ट तरीके से लगी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ का नज़ारा और प्रकृति बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी सुंदर तरीके से चित्रण किया गया इन सब चीज़ों का। तो और साफ सफाई तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, बिल्कुल भी कहीं भी आपको एक भी गंदगी आपको दिखेगी नहीं। अच्छा मतलब यहाँ लगा, ऐसा लग रहा था यार कि 2-3-4 घंटे खूब घूमे, लेकिन होता नहीं यार, क्योंकि 1 बजे के बाद हम तो गए थे, उसके बाद फिर आना भी था, तो ज़्यादा टाइम ना लग पाए। लेकिन इतना है कि हम लोगों ने कवर पूरा कर लिया था, बस ये है कि झूले वूले नहीं झूले। देखिए ये देखिए, आई थिंक ये कहीं विदेश में इस तरह की बना हुआ था, तो सब कहते हैं वहीं का ये चित्र है जो यहाँ पर बनवाया गया है। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से भाई, ये वाटर पार्क है, अंदर लोग जाते हैं, हम
लोग अंदर तो गए नहीं थे क्योंकि हम लोग को नहाना नहीं था, इसलिए हम लोग अंदर नहीं है। और ये देखिए गजब गजब ढा रहा था भाई, इतना अच्छा नज़ारा और इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ यहाँ पर बनी हुई थी। ये देखिए मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कहीं भी देश में आए हुए हैं। लंदन ब्रिज, आई थिंक लंदन ब्रिज ही है, तो लंदन ब्रिज ऐसे ही बना हुआ है, वहीं का ये नक्शा जो यहाँ बनवाया गया है। तो यार होता नहीं ना, हम ऐसा लग ही रहा था मुझे ना कि लंदन में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ की दीवारें और ऊपर से लंदन ब्रिज ही है, इतना अच्छा तरीके से बना हुआ था। अगर एक पल के लिए ये ना बताया जाए कि हम कानपुर में हैं तो कोई ये नहीं बता सकता कि ये लंदन नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से है यार यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और हो सकेगा तो मैं दोबारा ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि जब मैं गई थी तो उस टाइम मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं अच्छे तरीके से इंजॉय करूँ, झूला भी झूलूँ और वाटर पार्क में नहाने के लिए भी मस्ती करूँ, उतना नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि वाटर पार्क गर्मी में ज़्यादा सही होता होगा, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा लोग नहाने वाने का यूज़ करते हैं, तो इस वजह से गर्मी में ज़्यादा जाना चाहिए। वैसा ऐसा नहीं है, आप ठंडी में भी जा सकते हो, इतना अच्छा वहाँ का नज़ारा है और ऊपर से इतनी अच्छी ब्यूटी को कैसे कोई मिस कर सकता है। देखिए एकदम लंदन ब्रिज, ऐसा लग नहीं रहा था ना कि उत्तर प्रदेश में हैं हम, एकदम सेम मुझे ऐसा लग रहा था भाई, हमें तो ये फील हो रहा था हम लंदन में आ चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर है। और इधर का देखिए नज़ारा, पीछे की तरफ का ये साइड साइड का नज़ारा इतना अच्छा था, गजब था भाई गजब। ये देखिए और ये देखिए, हम लोग थोड़ा जल्दी में भी थे क्योंकि हमारा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, तो मोबाइल चार्ज नहीं था इसलिए थोड़ा ये हो रहा था कि थोड़ा कम वीडियो बनाऊं, तो क्योंकि ज़्यादा अगर ओपन करते मोबाइल तो भर जाता जल्दी से, तो स्विच ऑफ भी हो सकता था। तो हमारे पास दो मोबाइल था, हमने दोनों मोबाइल में वीडियो अच्छे से बनाई। और ये देखिए मतलब इतना अच्छा ये लोगों ने नक्काशी की है, जो कि मुझे ऐसा लगता है यार हम क्यों बाहर जाते हैं घूमने के लिए विदेश या किसी जगह, जब हमको यहीं पे इतनी अच्छी ब्यूटी मिल जाती है तो हमको तो यहीं घूम लेना चाहिए। देखिए हाँ, तो हमने इनसे राम द्वार किया। ये देखिए मतलब हर एक चीज़ को इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे ढंग तरीके से बनाया गया था, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से लग रहा था, अच्छा था। फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर गए, देखिए अंदर अंदर जाओ, अंदर जाते ही आपको ऐसा लगेगा कहाँ आ गए। ये देखिए ये 3D में यहाँ पर दिखाते हैं कुछ वीडियो, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि जानो सब कुछ हमारे आस पास से घूम रहा। ये देखिए एलियन लोग हैं, ये इनके पास ना ऐसा लग रहा था यार ये मतलब कहीं ऐसा ना हो कि जो पिक्चरों में हम लोग देखा नहीं करते हैं अचानक इनके अंदर जान ना जाए। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा बना हुआ था, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था अंदर का, लाइट इतनी अच्छी सी जल रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखिए हमने सेल्फी लेना शुरू कर दिया था अंदर घुसते ही। और ये देखिए इसी के अंदर हमको भी जाना है, अच्छा भाई ऐसा लग रहा था भाई हमने कहीं और ही से देखा है। हाँ भाई, लेकिन एक बात है ना कि उत्तर प्रदेश का कानपुर सिटी है। ये देखिए तो चल रहे इनके पास फोटो खिंचाने के लिए, सच कहूँ मैं उनसे डर लग रहा था मुझे, कहीं अचानक इनमें जान ना जाए और मुझे चकड़ ना ले पीछे से। तो ये मेरे हस्बैंड बोले यहाँ चली जाओ, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा डर लग रहा था ऐसे हाथ फैलाया हुआ है। ये देखिए इतने अच्छे तरीके से आज उनका बनाया गया, देखिए बैठना नहीं है, मतलब बढ़िया है यार, बहुत ही अच्छी जगह है। हो सके तो आप लोग जरूर जाइएगा, क्योंकि इतनी अच्छी जगह हम लोग कैसे मिस कर देते हैं अपने ही पास में रह के। और दूर दूर की जगह हम लोग घूम लेते हैं, बट यही कि है ना कि अपने पास की चीज़ें किसी को नहीं अच्छी लगती, जो दूर होती वही अच्छी लगती हैं। फिलहाल बहुत ही अच्छा लगा ये, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी।